हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चंस। जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, अगर आपके साइंस के क्वेश्चंस उसमें आते हैं तो ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप जाके सारी वीडियोज़ देख लो। क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक चूज़ करके डाले हैं। अगर किसी टॉपिक का आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉलीमर्स। बहुत ही छोटा वीडियो पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ओके, देखते हैं। माल्टोज, माल्टोज आपका पूछता है कि माल्टोज आपके पॉलीमर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक आपको कोई दे देगा और पूछेगा ये किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, किन दो यूनिट से मिलके बना हुआ है, किन इकाइयों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ये आपको याद करने हैं। सबसे पहले माल्टोज, माल्टोज से अक्सर पूछा जाता है माल्टोज की यूनिट्स क्या है, माल्टोज की इकाइयाँ क्या है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज की दो यूनिट से मिलके बना होता है माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज की दो यूनिट से मिलके बना होता है माल्टोज। दूसरा आपका है सुक्रोज, सुक्रोज किससे बना होता है, एक ग्लूकोज की यूनिट होती है, एक फ्रुक्टोज की यूनिट होती है, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज सब में कॉमन है, इन तीनों में माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज, इन तीनों के तीनों में ग्लूकोज कॉमन है। अंतर किस में है, पहले वाले में एक दोनों के दोनों ग्लूकोज रहेंगे, दूसरे में एक फ्रुक्टोज, तीसरे में एक गैलेक्टोज। ओके, तो ये आपके हो गए यूनिट वाले। प्लस दो क्वेश्चन एडिशनल आपसे पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल में, जंतुओं में स्टोर्ड होता है, जंतुओं में संचित होने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए। तो जंतुओं में होता है ग्लाइकोजन, और आपके प्लांट्स में, आपके पौधों में होता है कौन सा, स्टार्च। ठीक है, बॉडी में स्टोर जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जंतुओं में होता है, जंतु मतलब सारे के सारे एनिमल्स, जितने भी चलने फिरने वाले आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे एनिमल्स में क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, और पेड़ पौधों में क्या स्टोर होता है, आपका स्टार्च। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, ग्लूकोज का कभी कभी फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है, तो फॉर्मूला आप याद रखोगे C6H12O6। ओके, C6H12O6, इसका कभी कभी इम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ लेता है, मतलब शॉर्ट में ऐसे आप इसको लिख सकते हो। देखो, 6 से इसको काट सकते हो, 6 2 12, 6 1 6, तो 6CH2O या फिर COH2 ऐसे करके भी कभी कभी दे देता है, कभी ऐसे, मोस्टली ऐसे दे देता है आपको। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है। ठीक है, ग्लूकोज के लिए मेनली ये फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। ओके, अच्छा लैक्टोज आपसे पूछता है कि लैक्टोज किन चीज़ों में पाया जाता है, तो दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट है ना, जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें आपका लैक्टोज मिलता है। तो लैक्टोज मेनली मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स में मिलता है। इतनी बात याद रखोगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।